धार जिले के धामनोद तहसील में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत गुम हुए मोबाइलों के आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी संतोष कुमार पांडे को लगाया। गुम व चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट फरियादी नजदीकी पुलिस थाने में मोबाइलों के बिल सहित आवेदन प्रस्तुत करता है तथा वह आवेदन पत्र थाना प्रभारियों के माध्यम से ट्रेसिंग हेतु साइबर सेल को भेज दिए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के परिपालन में साइबर सेल प्रभारी द्वारा बिल के आधार पर मोबाइलों की ट्रेसिंग हेतु विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को भेजे जाते हैं, जिसमें कुल 22 नग स्मार्ट मोबाइल फोन धार जिले व आसपास के जिले एवं सीमावर्ती राज्यों में चालू होना पाया गया। साइबर सेल द्वारा गुम हुए मोबाइलों को चलाने वाले यूजर्स को कॉल लगाकर उनसे मोबाइल को वापस साइबर सेल धार में जमा कराने हेतु कहा गया, जिस पर से साइबर सेल धार में 22 महंगे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 3,50,000 रुपये है। मोबाइल मालिकों द्वारा साइबर सेल के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और धन्यवाद देते हुए सराहना की है। धामनोद से विशाल सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।